हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सर हालचाल तो मस्त थे, पर इन सर्किट्स को देख के दिमाग का भैया शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आज की क्लास के एंड तक आप इस तरह का कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। आप ऐसे सर्किट में डिफरेंट रेजिस्टर्स में करंट निकाल सकोगे। अगर ध्यान से देखो तो ये ना ही सीरीज कॉम्बिनेशन है, ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और सेल्स भी एक से ज्यादा हैं। यहां पे तीन सेल, यहां पे दो सेल, यहां पे दो सेल। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया सर्किट के लिए है करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 11, किरचॉफ्स लॉ। भैया किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इजिली सॉल्व नहीं बोलेंगे क्योंकि एक प्रोसीजर फॉलो करना है, बट आप सॉल्व डेफिनेटली कर सकते हो। तो किरचॉफ ने दो रूल्स दिए हैं या दो लॉज दिए हैं, वो हमें अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने से ज्यादा उसको अप्लाई करना सीखना है। लॉज पढ़ाने में तो मेरे को 15 मिनट लगेगा, बट उसको अप्लाई करने के लिए हम 5-6 बढ़िया सवाल लेंगे, वैरायटी के सवाल लेंगे, अलग अलग तरीके के। प्रीवियस ईयर आईआईटी के आए हुए 2-3 अच्छे सवाल उठा लेंगे। ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। इसके बाद प्रॉमिस करो कि आप भी जाके क्वेश्चंस लगाओगे। तो चलो कॉपी और पेन निकाल लो, एकदम फोकस होके, मस्ती में, टेंशन में नहीं, मस्ती में फोकस होके, इधर उधर चूहे को मारना पीटना बंद करके आ जाओ मेरे साथ इस लेक्चर में। आपको किरचॉफ लॉ बढ़िया से पढ़ाते हैं। सो यस, माई नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल एंड क्यूट एंड प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। एडजेक्टिव लिखते लगा दिए, तो बेटर होगा कि इस लेक्चर के नोट्स खुद से बनाओ, वरना बहुत ही आलसी लोग जो होंगे, इस लेक्चर का नोट्स भी हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है या मैं दे दूंगा। चलिए मिटारे इसको, शुरू करें। चलिए तो ये मान के चलेंगे कि आपको थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है। ऐसे मैं सच बताऊं तो इसमें आप ओम्स लॉ भी नहीं लगाओगे। किरचॉफ लॉ में ओम्स लॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू किया जाए तो किरचॉफ के दो रूल्स या दो लॉज हैं, शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब एनसीईआरटी को देखो तो वो इसको कहती है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। नेट पे सर्च करोगे तो इसका नाम लिखा होता है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। दो ही लॉ पढ़ने हैं, लॉ पढ़ाने में समय नहीं लगेगा, अप्लाई करने में समय लगेगा। किरचॉफ फर्स्ट रूल या उसी को हम बोलते हैं जंक्शन रूल या उसी को हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में KCL, ठीक है, KCL। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ KCL क्या कहता है ये? एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। जंक्शन ऐसी जगह जहां पे तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर या वायर मीट करे, तीन या तीन से ज्यादा। क्या कह रहे हैं ये? मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां पे मैं तीन तार को मीट करा दूं ऐसे, मैं बोलूं इधर से करंट आया 2 एम्पियर, इधर से करंट आया 3 एम्पियर, तो यहां से कितना करंट बाहर जाएगा? ये एक सवाल हो गया। बिना कुछ पढ़े ये चीज आपको पहले से पता थी, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। 2 आया 3 आया तो बाहर 5 जाएगा, यही ये लॉ कहता है। बहुत ही हलवा सेकंड वाला इंपॉर्टेंट लॉ है, पहला वाला बहुत हलवा है। द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यहां से 2 आया 3 आया तो बाहर कितना निकलेगा? 5। जितना अंदर आया उतना बाहर गया। जैसे मान लो यहाँ पे आपको ऐसे हम बना दें, टंग 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 ट्यू ट्यू, है ना, थोड़ा ही सब यहाँ पे टिंग डिंग डिंग ट्यू, यहाँ पे देख लो टिंग डिंग 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 ट्यू ट्यू टिंग डिंग 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 डिंग, मान लो ऐसा कुछ है,
ये भी जंक्शन कहलाएगा क्योंकि यहां पे तीन या तीन से ज्यादा वायर मीट कर रहे हैं। जंक्शन की डेफिनेशन याद रखना, वेयर थ्री और मोर वायर, अब या कंडक्टर बोल लो भाई, सर्किट है तो उसमें वायर ही होगा, मीट्स। जहां पे दो मिल रहे हो उनको जंक्शन नहीं बोलना। जैसे मान लो हमने यहां पे क्या दिया, इधर से करंट आया 3 एम्पियर, इधर से करंट आया 4 एम्पियर, यहां बाहर गया 2 एम्पियर, तो हमने पूछा यहां कितना करंट बाहर गया, बताओ कर लोगे? जल्दी से करके बताओ। लॉ लगा देंगे, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, एंटर कितना कर रहा है, 3 और 4 अंदर आ रहा है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, बाहर कितना जा रहा, 2 और I, यानी 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस I, बोल सकते हैं। ये दोनों एंटर कर रहे हैं, ये दोनों लीव कर रहे हैं, यहां से 3 4 7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस I, I की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर, तो यहां से कितना करंट बाहर गया, 5, 7 अंदर आया 7 बाहर गया, समझ में आ गया? ठीक है, जैसे एक ये चीज देखो, मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, कहीं बैटरी वैटरी लगा देते हैं, थोड़ा सर्किट वाला फील आएगा आपको, ठीक है, रेजिस्टेंस बैटरी सब लगा देते हैं, सवाल नहीं है, कंसेप्ट पूछ रहे हैं आपसे। मान लो यहाँ रेजिस्टेंस लगाए, अब हम पूछें कि यहाँ पे जंक्शंस कहाँ कहाँ पे हैं, क्या ए कोई जंक्शन है, नहीं, एफ नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो वायर मीट कर रहे हैं, यहाँ पे दो वायर, जहां दो वायर मीट करें उसको नोड बोल सकते हो पर जंक्शन नहीं। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, जहां पे तीन या तीन से अधिक वायर मीट करें, जैसे यहां पे सिर्फ बी और ई जंक्शन है, बाकी सब क्या है, नोड, जहां पे दो कंडक्टर मीट करें उसको नोड। लॉ समझ में आ गया, आसान सा लॉ है, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मैंने पहले ही बोला लॉ पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, इसको अप्लाई करने में टाइम लगेगा, खत्म हो गया, यही है फर्स्ट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, या जंक्शन का रूल, कि जितना करंट जंक्शन पे अंदर आएगा उतना करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि जंक्शन में जो करंट अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव ले लो, और फिर बोलते हैं समीशन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू जीरो। ये वाला तरीका समझ में आ रहा है? अगर किसी किताब में, अच्छी किताब में ऐसे मिले तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे। मतलब कई लोग क्या कहते हैं, जितना करंट अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव, जितना बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव, और समीशन ऑफ करंट इज जीरो एट जंक्शन। ऐसे भी बोल सकते हैं क्या हम, जितना अंदर आ रहा है पॉजिटिव, यानी 3 प्लस 4 को पॉजिटिव, बाहर जो जा रहा है नेगेटिव, -2, और क्या बाहर जा रहा, -5, सबको जोड़ा तो कितना आ रहा, 0। तो ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 कहां पे, जंक्शन पे। क्या एक ही मतलब है दोनों का? अब इसमें यह है कि अंदर वाले को पॉजिटिव, बाहर वाले को नेगेटिव, या वाइस वर्सा कर लो, अंदर वाले को नेगेटिव, बाहर वाले को पॉजिटिव, टोटल करंट जोड़ोगे तो 0, जितना अंदर आया पॉजिटिव, बाहर गया उसको नेगेटिव कर लिया, कहने का तरीका है। ऐसे बोलो सबसे आसान है, सम ऑफ करंट एंट्रिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। अरे भैया ये तो हमें पता ही था, 2 3 आ रहे हैं तो 5 बनेंगे, 4 3 आ रहे हैं, 2 इधर गया तो 5 इधर है तो जाएगा, क्लियर है? फिर आता है बात कि ये लॉ किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये सवाल बोर्ड में बहुत पूछता है, किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ये लॉ बेस्ड है, ये मिटा दें, किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ये लॉ बेस्ड है। उतार लिया था आपने, वरना पॉज करके पहले उतार लो। समीशन आई इज इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है एट अ जंक्शन। अब इसके लिए ये लगा लेना कि अंदर आने वाले करंट को पॉजिटिव, बाहर जाने को नेगेटिव, फिर सबको जोड़ दिया तो 0। ये जो लॉ बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, समीशन आई इज इक्वल्स टू 0। ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अंदर वाले करंट को पॉजिटिव, बाहर वाले को नेगेटिव, और सबको जोड़ के हम बोल दें 0। या ऐसे बोल दो कि जितना अंदर आ रहा उतना बाहर। अब ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, मतलब चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला प्रिंसिपल। मतलब इस तरफ से जितना चार्ज पर सेकंड आया
उतना चार्ज पर सेकेंड बाहर चला गया। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां से कोई नया चार्ज बन के बाहर नहीं आया और यहां पे कोई चार्ज रुका भी नहीं। भाई करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जितना चार्ज पर यूनिट टाइम अंदर आया उतना चार्ज पर यूनिट टाइम बाहर गया। ऐसा नहीं है कि बढ़ के आ गया, चार्ज प्रोड्यूस नहीं होते। ऐसा नहीं कि घट गया, चार्ज कभी खत्म भी नहीं होते। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब्ड, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कई बार पूछा जाता है कि जंक्शन रूल या किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट लॉ किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे ज्यादा यहां से कुछ नहीं पूछते। चले सेकेंड लॉ की तरफ। छाप लिया है सब कुछ, और इसमें कुछ सवाल बन नहीं सकता, छाप लिया है। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मान लो, सुन लो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो ये आई जो कैलकुलेट कर रहे थे ये नेगेटिव आ जाता, जस्ट सपोज मान लो ये आई नेगेटिव आ जाता, मान लो आप यहां कुछ वैल्यूज ऐसी वैसी होती, मान लो ये 10 एम्पियर होता, तब ये आई कैसा आता? नेगेटिव आता ना भाई। ये मान लो 10 दिया होता एग्जाम में, तो ये 7 ये 10 उधर जाता -3। आई नेगेटिव आने का एक मतलब है, आज से आई नेगेटिव आने का मतलब कि जो डायरेक्शन हमने माना है एक्चुअल के डायरेक्शन से वो एग्जैक्टली अपोजिट है। क्या बोला मैं? मतलब एक्चुअल डायरेक्शन से वो डायरेक्शन गलत है। अगर आई नेगेटिव आ गया कैलकुलेट करने के बाद, सो आर अज्यूम्ड डायरेक्शन, छोटी छोटी बातें कलेक्ट करते रहो, इज ऑपोजिट ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन। बढ़िया से किरचॉफ लॉ क्लियर हो जाएगा पूरा अगर एक एक पॉइंट मेरा सुनोगे। आर अज्यूम डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन, मतलब हमने मान लो ऐसे मान के सॉल्व कर दिया और ये मान लो 10 होता, तो वहां 10 लिखते इधर आता मतलब -3, मतलब एक्चुअल में -3 का मतलब करंट ऊपर की तरफ 3 है। तब देखो बात भी सही होती, 3, 3, 6, 4, 10 और 10 बाहर निकला। क्या बोला मैंने? मैंने बोला दो की जगह यहां 10 लिखा होता तो I की वैल्यू -3 आती, तो आप लिखते I is equals to -3 एम्पियर। सही है, गलत नहीं होगी, एकदम सही है। उसकी जगह आप करंट को पलट कर 3 एम्पियर कर देते, फिर देखो 3 इधर से, 3 इधर से, 4 इधर से, 3, 3, 6, 4, 10 और इधर गया 10। क्लियर हो? तो I कभी भी आगे बहुत होगा ऐसा, हो सकता हो आज के लेक्चर में हो सकता हो ना हो सकता हो, आपके सॉल्व करते वक्त I की वैल्यू नेगेटिव आए, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन माना एक्चुअल डायरेक्शन के वो ऑपोजिट है। मिटा रहे हैं अब, छाप ले। इफ आई इज नेगेटिव। चलो भाई आपको पहला लॉ समझ में आया, जंक्शन रूल या KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये तो कुछ भी नहीं था, असली लॉ तो अब आएगा जिससे सवाल बनते हैं। पहला लॉ तो आपको पहले ही पता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि करंट कैसे डिवाइड करते हैं 5 को 2, 3 में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसको एनसीईआरटी में लूप रूल भी बोलते हैं। इसमें लूप आ जाएगा, लूप है ना, लूप वाला लूप नहीं। और दूसरी इसको और हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म में नाम KVL। ठीक है, तो जो बहुत ही आपके स्कूल में जो बहुत ही स्टाइलिश बच्चे होंगे वो बोलेंगे तुमने KCL KVL लगा लिया, तुम्हारा KCL KVL कंप्लीट हो गया। ऐसे कई बच्चे बात करते ना, एनालम कर लिया, WP हो गया है। तो वैसे ही इसको KCL और KVL बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कॉलेज में तो एक लड़की थी, छोटी सी हाइट में थी, तो वो बोलती थी, मतलब ऐसे पढ़ाई बहुत बढ़िया थी, तो वो बोलती थी हम NG जा रहे हैं। हमने कहा NG बोले तो बोली नवाबगंज, हम LG कह रहे थे, हमने बोला LG बोले तो बोली लोकल गार्जियन। इन लोगों ने ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाए। तो KCL KVL आओ वापस आओ, किरचॉफ सेकेंड लॉ ये क्या कहते हैं? द एलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, the algebraic sum of change in potential around a closed loop, ये closed आप भी बड़ा लिखेंगे, around a closed loop is zero, very important, बहुत ही common सी बात है but important।
द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज जीरो. किसी क्लोज्ड लूप में चलो सर्किट के अंदर, उस लूप में रेजिस्टर हो, उस लूप में कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, सेल हो, कच्छो हो, अगर घूम के वापस सेम पॉइंट पे आए तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो आएगा. अभी करके दिखाएंगे, पहले भी समझते जाओ. जैसे मान लो कोई सर्किट है, ठीक है, अभी तो बढ़िया बढ़िया लेंगे, पहले समझो. मान लो हम सर्किट में ए पॉइंट से चले और घूम कर और घूम घाम कर वापस ए पॉइंट पे आ गए. हमने एक क्लोज लूप बनाया, मान लो ये बी, ये सी, ये डी. हम ए से बी पे गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए. देखो वापस आने का ये सिंबल होता है कि जहां से चले थे वहां वापस. अगर हम ऐसा करते हैं तो समीशन ऑफ डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन पोटेंशियल इन दिस सेल प्लस दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो. बाकी कैपेसिटर पैसिटर लगाओ तो वो भी. बट ये चीज किसके लिए ट्रू है? सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड लूप के लिए. द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, कुछ इसमें चेंज इन पोटेंशियल, कुछ इसमें, सबको जोड़ के जीरो. देखो चेंज इन पोटेंशियल दो तरह का हो सकता है, या तो पोटेंशियल में गेन हो या तो पोटेंशियल में ड्रॉप हो. अगर पोटेंशियल में गेन हो सकता हो पोटेंशियल कहीं जाते वक्त, इधर जाते वक्त पोटेंशियल बढ़ रहा हो, अगर पोटेंशियल में गेन हो तो आप उसको लेना प्लस वी. अगर पोटेंशियल में ड्रॉप हो, ड्रॉप मतलब नुकसान हो रहा है, तो आप लेना माइनस वी. बट ये लॉ कह रहा है कि क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए प्लस माइनस वी वन, प्लस माइनस वी टू, प्लस माइनस वी थ्री, प्लस माइनस डैश डैश वी एन इज इक्वल टू जीरो. हो सकता हो इसमें पोटेंशियल का फायदा हो सकता हो इसमें नुकसान, हो सकता हो इसमें फायदा, पर तीनों फायदे नुकसान को मिला के फाइनल आंसर जीरो आएगा. अब आप पूछोगे क्यों? बड़ा आसान है. ए से चले ए पे पहुंचे, ए से चले ए पे पहुंचे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो. भाई जहां से चले वहां पे पहुंचे तो फाइनली वी ए माइनस वी ए भैया कितना आएगा? जीरो. पोटेंशियल ऐसी क्वांटिटी होती थी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती थी, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती थी. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, नहीं भी पढ़ाया, नहीं भी याद है, पढ़ाया तो है, नहीं भी याद है तो इतना समझ लो कि ए से निकल कर ए पे पहुंचे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए इज जीरो आया. इसीलिए मैंने बोला कि वर्ड क्लोज जरूरी है, रट के नहीं जाना एग्जाम में, समझ के जाओ. जहां से चले वापस वहीं पहुंचे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही आएगा. अब चाहे बीच में जितनी भी कहानी हो, लौट के तो वापस वहीं आए. पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, विच आर सेम. हाय हाय, समझ में आ गया. अच्छा और क्या बोला मैंने? पोटेंशियल जहां गेन हो प्लस लेना, जहां ड्रॉप. इसी में पूरी कहानी है, यही समझना है हमको अच्छे से आज, और इसी पे क्वेश्चन बनेंगे. फिर हमने कहा क्लोज कर लेना ये, और क्लोज लूप लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है, जहां से चले वापस वही पॉइंट लिखेंगे जब भी. अभी सिखाएंगे और बहुत कुछ. अब एक बात आती है कि ये किस पे बेस्ड है? जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ या केसीएल या जंक्शन रूल किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे. ये किस पे बेस्ड है? सोचो सोचो. वोल्टेज लॉ, लूप रूल किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आप बोलोगे सर कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अरे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती थी? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती थी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से वापस यहीं लाने में कितना वर्क डन होगा? जीरो. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से वापस यहीं पे लाने में वर्क डन कितना होगा? जीरो. सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज क्यू. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? जीरो होगा. भाई जहां चले थे वहीं आए, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है. दिस इज जीरो. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो. अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, सॉरी यस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या हम बोलते थे पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. याद है ये सब चीजें? भूल गए.
भाई पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब होगी? जब हम कोई काम करेंगे भाई, किसी सिस्टम में हम कोई काम करके देंगे तभी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। जैसा सिस्टम था वैसा ही रखा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दोनों तरह से जीरो। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एनर्जी ना ही इंक्रीज कर रही ना ही डिक्रीज। भाई चेंज इन पोटेंशियल जीरो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये है लॉ, समझ में आया? छाप लो पहले इसको। अब कैसे इसको अप्लाई करना है इसके लिए हम कुछ स्टेप्स लिखाएंगे, उसको पढ़ लेना, फिर बेसिक से चलते चलते एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। Algebraic sum of change in potential around a closed loop is zero. Summation delta V is zero for a closed loop. Potential gain हो तो plus करो, potential drop हो तो minus करो, जहां से चलो वापस वहां लौटो। Closed loop रुकने का तरीका, जहां से start किया है वहां खत्म करेंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जहां से चले थे वहीं आए, तो VA minus VA is zero based on principle of conservation of energy, क्योंकि कोई energy का loss या gain या कुछ भी नहीं हुआ। मिटा रहे? Okay. अब आप लिखो how to apply किरचॉफ लॉ। तो सबसे पहले आप एक कप दूध लें और उसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। सर दूध में नमक ही? नमक शमक, नमक शमक, वू क्या हो गया सर, वापस आओ। हाँ, सो हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है समझना। सीधा सवाल पे आ जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, समझ लो इसको बढ़िया से, फिर सवाल एकदम बढ़िया से होंगे, है ना। पहली चीज, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल, है ना। अब ये आपका स्वाद अनुसार है, स्वाद अनुसार। मान लो सर्किट में एक से ज्यादा सेल है तो आप चाहो तो किसी एक सेल से करंट निकालो, चाहो तो दोनों से निकालो, चाहो तो तीनों से निकालो, पर किसी से भी, एक से भी निकाल के भी काम पूरा बन जाएगा। एक सेल से निकालना तो भी चल जाएगा, दो से निकालोगे तो भी। पर फॉलो KCL किरचॉफ करंट लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। जब करंट को डिवाइड करना जंक्शंस पे तो किरचॉफ लॉ को फॉलो करना, मतलब एक तरफ, मतलब जैसे जैसे समझ लो, मान लो जैसे करंट आई आ रहा, आपने कहा इधर गया आई वन तो इधर कितना जाएगा, या तो आई टू लिख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं, या तो आप ये लिख सकते थे आई माइनस आई वन, एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीजें समझ लेना, ठीक है, या तो आप आई टू लिख लो या आई माइनस आई वन लिख लो, ये चीजें याद रखना। दूसरी चीज, चूजिंग अ लूप, चूजिंग अ लूप, तो लूप चूज करने की एक ही कंडीशन है, शुड बी क्लोज्ड लूप, शुड बी क्लोज्ड लूप। अब हो सकता हो आपको लूप नहीं लूप्स चूज करने पड़े, एक नहीं एक से ज्यादा लूप, ज्यादातर समय यही होगा अच्छे सवाल में, दो लूप, तीन लूप, तीन लूप का सवाल भी एक हम कराएंगे, तो हो सकता हो आपको दो तीन लूप चूज करने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों लूप कैसे हो क्लोज्ड, ठीक है। इट कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल्स, रेजिस्टर, इन सब का कोई टेंशन नहीं, जहां से चलो वहां वापस आओ, है ना। शुड बी क्लोज, क्लोज लूप्स कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ लूप, या इस चीज को हम बोलते हैं पाथ, डायरेक्शन ऑफ लूप या पाथ, पहले इतना नोट कर लो फिर इसको समझाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ लूप या पाथ। देखो अगर हम एक लूप लेते हैं ऐसा कोई, ठीक है, इसमें बैटरी वगैरह हैं, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस वगैरह हैं, सब है इसमें, ठीक है, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ एक और बैटरी है, यहाँ मान लो एक और रेजिस्टेंस है, वगैरह वगैरह। तो इस लूप का दो डायरेक्शन हो सकता है, एक हो सकता है हम क्लॉकवाइज चले और एक हो सकता है हम इस लूप में कैसे चलें बच्चों, बोलो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दो तरह के डायरेक्शन पॉसिबल हैं।
हो सकता हो हम क्लॉकवाइज, हो सकता हो एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो आपके पास एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा लूप बनते हैं, तो सभी लूप में या तो क्लॉकवाइज लेना या तो एंटी क्लॉकवाइज लेना, ऐसा जो बताए उसको बोलना आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर तीन चार लूप हैं, दो लूप है, तीन लूप है, चार लूप है, तुम्हारा जो मन करे करो, लूप को क्लोज रखना और एक डायरेक्शन रखना। दो मान लो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो लूप हैं, टू लूप्स इन सेम क्वेश्चन, अभी छाप लो, अभी तुम सोच रहे हो कहां मिलेगा, सवाल कराएंगे तो मिलेगा, टू लूप्स इन सेम क्वेश्चन। मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे में सीधा क्वेश्चन पे आ जाऊं मजा नहीं आएगा। टू लूप्स इन सेम क्वेश्चन, तो चाहो तो दोनों को क्लॉकवाइज लो, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लो, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, है ना, टेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वन बोथ, जैसे तेरा मन हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो दोनों लूप को क्लॉकवाइज लो, चाहो तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, चाहो तो एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, डजंट मैटर, बट हर एक लूप का एक डायरेक्शन फिक्स कर लेना इक्वेशन लिखने से पहले, ठीक है। सेम सवाल के अंदर मान लो इसी के अंदर ध्यान से देखो, मान लो इसी के अंदर हम यहां से ऐसे जोड़ दें ऐसे, तो अब इसमें एक लूप ये एक लूप ये छोटा वाला, तो इसको क्लॉकवाइज इसको क्लॉकवाइज या इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको एंटी या इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं होगी। क्लियर हो गई बात, दो ही डायरेक्शन है भाई, लूप है, गोल घूम रही कोई चीज, दो ही डायरेक्शन होंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी। तो मैंने कहा चाहे क्लॉक लो चाहे एंटी क्लॉक, आपकी मर्जी। एक ही क्वेश्चन में दो लूप है तो दोनों को क्लॉक भी ले सकते हो, दोनों को एंटी क्लॉक भी ले सकते हो, एक को क्लॉक एक को एंटी क्लॉक भी। यहां तक नोट करें, ठीक है। करंट निकालना है एक सेल से, जैसे दो सेल है तो किसी एक से निकाल लो, चाहो तो दो से निकाल लो, स्वाद अनुसार, बट ध्यान देना कि क्या ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ठीक है। फिर क्या बोला हमने यहाँ पे कि चूजिंग अ लूप, एक से ज्यादा लूप बिल्कुल चूज कर सकते हो, कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल इन रजिस्टर, बट ध्यान देना कि क्लोज्ड हो। और तीसरा क्या, डायरेक्शन ऑफ लूप, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, एक ही क्वेश्चन में दो लूप है तो दोनों को क्लॉकवाइज, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों को अलग अलग। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे पता चलेगा पोटेंशियल ड्रॉप है कि पोटेंशियल गेन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन कैसे पता चलेगा, हमें कहां पे प्लस वी करना है कहां पे माइनस वी। देखो बहुत इजी है, अगर हम कभी बच्चों हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आते हैं तो बताओ इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोलो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोलो भाई सभी लोग, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो जब भी हायर से लोअर पोटेंशियल आओ तो डेफिनेटली दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, जब भी हायर से लोअर आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप, और इस केस का जो डेल्टा वी होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो जब भी एच से एल चलो, हायर से लोअर, तो डेल्टा वी नेगेटिव रखो। इसी तरह से जब भी आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को जाओ तो क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा, एल से एच पोटेंशियल गेन, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे। यानी अगर कभी हम L से H चले लोअर से हायर तो पोटेंशियल गेन इज पॉजिटिव। पढ़ते जाओ, भरोसा रखो, होगा सब, भरोसा रखो, अभी सवाल कराएंगे, अभी देखते जाओ बस, यहां तक क्लियर है। अब देखो पहले बात करते हैं सेल्स के लिए, मान लो ये एक सेल है, इसका EMF E है, ठीक है, सेल के बगल में लिखा होता है ना 10 वोल्ट 12 वोल्ट वो लिखा है, ठीक। मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, जो हमारी डायरेक्शन है या हमारा जो पाथ है, ऐसे घूमते हुए आओगे ना, तुम घूम रहे हो पाथ, तो पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारा पाथ ऐसा है, जो हमारा पाथ है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब हायर से लोअर जा रहा है, तो इस केस में आप डेल्टा वी सेल का क्या लिखोगे, माइनस ई।
पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है। और मान लो ऐसा होता, ये पाथ होता, कहाँ से कहाँ जा रहे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे, पाथ ये है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव लोअर से हायर, तो इस केस में आप डेल्टा वी लिखोगे प्लस सी। समझ में आया? तो पाथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज चल रहे कि एंटी क्लॉकवाइज, जब सेल से घूमते हुए जा रहे हो देखो सेल से कैसे जा रहे हो, अगर प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस, माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस आ जाएगा, प्लस से माइनस मतलब हायर से लोअर, मतलब फॉल इन पोटेंशियल, ड्रॉप इन पोटेंशियल नेगेटिव, लोअर से हायर मतलब गेन इन पोटेंशियल तो पॉजिटिव। ये हुई सेल की बात। अब रेजिस्टर की बात सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है रेजिस्टर, सुन लो, भी याद करा देंगे, भरोसा हम पे रखो, पहले सुन लो कंसेप्ट सारा। मान लो ये रेजिस्टर आर है और मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, सुनते जाओ ध्यान से, करंट ऐसे जा रहा है, करंट कहां से कहां जाता है, रेजिस्टर में करंट बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा सकते रेजिस्टर को सेल की तरह, करंट कहां से कहां जाता है, करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है, तो ये हायर हो जाएगा ये लोअर। अब अगर पाथ ऐसे है तो बताओ कैसे जा रहे हम, हायर से लोअर जा रहे, तो डेल्टा वी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, करंट आई रेजिस्टेंस आर, आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस में आई आर, और यहां पे लिखोगे माइनस आई आर, क्या लिखोगे माइनस आई आर। और अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दें हम कि करंट तो ऐसे ही है, रेजिस्टेंस ये, पर पाथ ये कर दी हमने, अब पाथ कहां से कहां जा रही, भाई करंट कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर, करंट तो हायर से लोअर, पर पाथ कहां से कहां जा रही, पाथ देखना है करंट नहीं देखना, जैसे यहां पे करंट कहां से कहां जा रहा था, हायर से लोअर, पर जो पाथ हमने बनाई वो कैसे जा रही, वो भी हायर से लोअर, यानी ड्रॉप इन पोटेंशियल तो माइनस आई आर। और यहां हमने देखा करंट जा रहा है हायर से लोअर हमेशा जाता है, पाथ कहां से कहां जा रही, लोअर से हायर, गेन इन पोटेंशियल, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू प्लस आई आर। अभी याद कराने का तरीका बताएंगे, पहले छापो, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चबा चबा के खाएंगे, उसके बाद याद करके क्वेश्चन, बस आने वाला है इसके बाद क्वेश्चन, आखिरी बात थी। देखो मतलब कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप तब होगा जब हायर से लोअर, जैसे यहां देखो पाथ हायर से लोअर जा रही तो माइनस ई, पाथ हायर से लोअर जा रही तो माइनस आई आर, सुन लो, और पोटेंशियल गेन तब होगा जब लोअर से हायर जा रहे हो, जैसे पाथ लोअर से हायर तो प्लस, पाथ लोअर से हायर तो प्लस। अब याद करने का तरीका समझ लो यार, बार बार लोअर हायर ये सब बनाओगे तो हो चुका सवाल, ऐसे ही उसमें दो तीन लूप बन रहे हैं, रटने के लिए सवाल के लिए तरीका समझो, रट्टा मारने के लिए, दोनों के लिए बता दे रहे हैं एक बार में, सुनो ये भी हटा दें, छाप लो पहले फिर रटने का तरीका बता दें, पॉज करके छाप लो। अब सुनो, सेल में अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव जाए सो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, खत्म। अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो डेल्टा वी पॉजिटिव। अभी सुनो रेजिस्टर का भी शॉर्टकट, रेजिस्टर में अगर पाथ आई यानी करंट के ऑपोजिट हो तो डेल्टा वी पॉजिटिव। ये दो रूल्स रट लो, रट लो, समझने के लिए समझा दिया, कंसेप्ट के लिए कंसेप्ट सही होता है पर जब सवाल करना है तो तेजी में, कंसेप्ट तो यही है, यही चीज हमने शॉर्ट में बताई। हमने क्या बोला कि सेल में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही पाथ तो पॉजिटिव, और रेजिस्टर में जब पाथ और आई, अगर पाथ आई के अपोजिट हो, यहां पे देखो पाथ आई ऐसे पाथ ऐसे तो पॉजिटिव, इसके सिवा दोनों में नेगेटिव अपने आप समझ जाओगे। देखो यार सेल का बड़ा आसान है, सेल में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, रेजिस्टर में अगर करंट के अपोजिट पाथ तो पॉजिटिव, अगर करंट के साथ पाथ तो नेगेटिव, करंट के अपोजिट पॉजिटिव, करंट के साथ नेगेटिव। अब सेल में करंट मत देखने लगना, कई बच्चे क्या करते हैं कि सेल में भी करंट देख लेते हैं उसके हिसाब से, ना
सेल में करंट नहीं देखना, सेल में सिर्फ देखना है कि माइनस से प्लस है कि प्लस से माइनस। रेजिस्टर में करंट देखना है कि करंट के अपोजिट तो पॉजिटिव, करंट के साथ तो नेगेटिव। छाप लो, बाकी स्लो स्लो करके भी कर सकते हो, स्लो मोशन में। ठीक है, ठीक है, हायर से लोअर, करंट हायर से लोअर और पाथ लोअर से हायर पाथ। पाथ इंपॉर्टेंट है, यहां पाथ देखो लोअर से हायर तो प्लस, यहां पाथ देखो लोअर से हायर तो प्लस। करंट के अपोजिट होता है रेजिस्टर में तो प्लस, करंट के साथ होता है तो माइनस, और सेल के लिए सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव में प्लस, अदरवाइज माइनस। छाप लिया, चलो सवाल लेते हैं। अब यार असली ज्ञान कहां से आता है? सवाल से, जितना भी पढ़ लो। तो मैंने थ्योरी में तुम्हें बहुत सी चीजें बताई, सब दिमाग के ऊपर से निकल गई होगी अब तक, कोई बात नहीं। क्या उसको रिवाइज करना है सर करने से पहले? ना, कोई जरूरत नहीं, ना बेटा ना, आ जा सवाल करेंगे अपन, टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन मैं इतना हलवा लूंगा कि आप बिना किरचॉफ के भी उसको कर सकते हो, पर हम सबूत देंगे कि किरचॉफ लॉ वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसा सवाल देंगे जिसका आंसर आपको पहले से पता हो। मान लो हम बढ़िया सवाल करा दें, हम बोले किरचॉफ से सॉल्व करो, आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, किरचॉफ लॉ जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब झूठ है ना। आप जो आंसर बता दो हमें मानना पड़ेगा, क्या कि इसका आंसर हम निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए हम ऐसा आपको सवाल दे रहे हैं जिसका आंसर अपने आप भी निकाल सकते हो, बट हम किरचॉफ से उसको ट्रू प्रूफ करेंगे। मान लो यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, आज के सारे सवाल यही होंगे, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो बहुत ही हलवा सवाल है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में देखना तो R इक्वल 2-3-5 ओम, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा V बाई आर ई 10/5, तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर। सवाल सॉल्व, यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकलेगा, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है तो जाके हनुमान जी के सामने 2 अगरबत्ती चढ़ाए और पास होने के लिए प्रार्थना करें। अरे यार हम लोग 11वें लेक्चर पे, ये सब तो आपको आना चाहिए ना, सीरीज 2-3-5 आएगा। ठीक, ये तो एक जनरल तरीका था, इससे आप श्योर हो गए कि 2 एम्पियर आंसर आना चाहिए। अब इसको हम करेंगे KCL और KVL से। देखो हमसे सबसे पहले क्या बोला है कि एक लूप चुनो, क्लोज लूप, तो इसमें एक है लूप है, नाम दे लो इसका ABCD। तो हमने लूप चुना, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी इसको, देखो A से चले E पे पहुंचे, कैसा लूप है हमारा, क्लॉक वाइज है डेफिनेटली, ABCDA, जैसा लिखोगे वैसे ही चलना। ठीक है ना, या तो तुमको अगर उल्टा चलना होता तो ADCBA लिखते, तो ऐसे चलते जैसा लिखे हो वैसे ही चलो, ABCDA, तो मैंने ऐसा लिखा ऐसे ही चल रहा हूँ। कोई उल्टा चाहे तो उल्टा चल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस इंसान से। चलो अब क्या करो, सेल से, अच्छा पहला स्टेप भूल गए हम लोग, बल्कि सेल से पहले करंट निकालना था। पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ करंट फ्रॉम सेल, पहली से एक ही सेल है, यहां से करंट निकाल लिया आई, यहां करंट डिवाइड नहीं होना, इस ब्रांच में भी आई, यहां पे भी आई, यहां पे भी आई, इससे हम प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ किरचॉफ लॉ सही होता है, आपको विश्वास हो जाएगा और करने का तरीका भी आएगा। चलो अब हमने कहा कि लूप चुन लिया, ठीक है, लूप हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ए से चलकर ए तक गए, तो करंट निकाल लिया, लूप चुन लिया, 2 काम हो गए। अब पोटेंशियल गेट, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी अब हमें देखना है समीशन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। कहाँ से शुरू करें, सेल से शुरू करते हैं, सेल से शुरू करते हैं। ये है पाथ, इसी को पाथ कह रहे थे देर से हम, पाथ पाथ पाथ। देखो पाथ सेल पे कहां से कहां जा रही, सेल पे मेरे ख्याल से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही, ध्यान से देखो, सेल पे नेगेटिव से पॉजिटिव, सेल पे नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब प्लस, तो ये हो गया प्लस 10 वोल्ट। अब याद रखोगे सेल पे नेगेटिव से पॉजिटिव में प्लस, और रेजिस्टेंस में जब करंट के अपोजिट पाथ तब प्लस। अरे यार ये लोअर, ये हायर, लोअर से हायर तो गेन तो प्लस, हाँ आए 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 आए, एक हो गया, ये कवर हो गया, बाकी चलो टाणाणाणाणाणाणा। अब रेजिस्टेंस पे आए, रेजिस्टेंस पे जिधर पाथ है उधर करंट है, यानी नेगेटिव। अरे भैया करंट कैसे होता है, हायर से लोअर, यानी पाथ भी हायर से लोअर है, यानी गिर रहा है पोटेंशियल तो नेगेटिव, करंट के साथ पाथ तो नेगेटिव, रेजिस्टर अपोजिट तो पॉजिटिव। रट लो, तो करंट के साथ है तो नेगेटिव, तो -2 × I, यही होगा IR, रजिस्टर में IR, तो I × R। फिर यहां पे आए, यहां पे भी पाथ ऐसे, करंट भी ऐसे, दोनों एक साथ, मतलब नेगेटिव, -IR इज इक्वल्स टू 0। और कुछ तो है नहीं ना सर्किट में,
आया, अरे भाई करंट हायर से लोअर, हायर से लोअर पाथ जा रही है तो पोटेंशियल में ड्रॉप है तो माइनस, यहाँ पे भी करंट ऐसे है मतलब हायर से लोअर, और पाथ भी कहाँ है हायर से लोअर, यानी कि ये भी ड्रॉप है तो इसको भी माइनस। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है आई आर, तो थ्री इंटू आई, तो ये पांच आई उधर ले जाओ, पांच आई इज इक्वल्स टू दस, तो आई इज इक्वल्स टू दस बटे पांच, आंसर है 2 एम्पियर। ये अब शुरू हुआ है, ये तो आपको शुरू में मैंने एक ट्रेलर दिखाया है कि ऐसे ऐसे करना है, चालू करें अब, ये इसमें खुश ना होए। पिरापर सवाल तो अभी 2-3 सवाल के बाद स्टार्ट होंगे, अभी तो मजाक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, हाँ देखो ये भी एक आसान सवाल दे आते हैं आपको, टड़ंग टड़ंग टंग टंग, टड़ंग टड़ंग टंग टंग, टंग 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 टंग, ठीक है। तो यहाँ पे छी, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस ठीक है, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस ठीक है, और यहाँ 2 ओम का ठीक है, और यहाँ 2 ओम का, और यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी सेल है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। पॉज करके एक सवाल खुद से हिला ही दो यार, अब क्या सर कितना बेइज्जती करोगे हमारा, हम करके दिखाएगा, रुक जा सर, पॉज करके अभी आंसर कमेंट करेगा, करो आंसर कमेंट पॉज करके, कर दो आंसर कमेंट पॉज करके, नहीं ही देखेंगे आपका वीडियो, हम खुद से करेंगे, हो गया पॉज करके कमेंट कर दो, तुम्हें केसीएल केवीएल की कसम। चलो भाई हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले करंट निकालना होता है, किसी एक सेल से निकालो या 2 सेल से निकालो तुम्हारी मर्जी, हम 1 सेल से निकालते हैं, हमारा ट्रेडिशन है, कभी 2 से भी निकालते हैं, हम देखते हैं सिचुएशन। जैसे हमने यहाँ देखा 4 वोल्ट 10 वोल्ट, हमने कहा यार बड़ी बैटरी से करंट निकाल लेते हैं, आई भाई दोनों का ये पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ, तो दोनों करंट आके लड़ने वाला है, हम समझ गए, तो हमने कहा बड़ी वाली से आई निकालते हैं, वही दोनों में घुमा देते हैं, तुम चाहो तो छोटी वाली से निकालो, तुम चाहो तो यहाँ से आई वन यहाँ से आई टू निकालो, सब में आंसर सेम आएगा। एक चीज याद रखना, आप जिस बैटरी से जितना करंट निकालो उस बैटरी को उतना करंट वापस कर देना, क्वेश्चंस तभी बनेंगे। जिस बैटरी से जितना करंट निकालो उस बैटरी को उतना करंट वापस कर दो। हमने यहां से आई निकाला, इसमें भी आई गया, इसमें भी आई गया, इसमें भी आई गया, वापस लौट के आई आ गया, जितना निकाला उतना वापस। नामकरण करें लूप का, कहां ए लिखें, जहां कहो यहां लिख ले, यहां लिख ले, जहां कहो यहां लिख ले, ए बी सी डी ए, तो चूजिंग द लूप अगेन द क्लॉकवाइज लूप, ए बी सी डी ए। क्या एंटी क्लॉकवाइज लेने पे आंसर डिफरेंट आएगा? बिल्कुल नहीं, सेम आंसर आएगा। हम लूप यहां से चूज करें सी डी ए बी सी, सेम आंसर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज सी बी ए डी सी ऐसा ले लो, सी बी ट्राई करना, सी बी ए डी सी एंटी क्लॉकवाइज, सेम आंसर आएगा। क्या हमने ले लिया लूप ए बी सी डी ए यानी क्लॉकवाइज, यानी कि और अच्छा सा बनाते हैं, कई टीचर बताते हैं लूप को कितना एरिया कवर करना चाहिए, छी छी इतना गंदा, ऐसी ऐसी बातें, ये वही टीचर होते हैं जिनके लंग्स में हार्ट अटैक आता है। चलो भाई काटा है स्कूल में मेरे बच्चों के नंबर काटे हैं टीचरों ने कि लूप का एरिया छोटा था है? हाँ आओ वापस आओ, तो कहां से शुरू करते हैं, किसी सेल से, किसी भी सेल से स्टार्ट करते हैं, चलो कोई एक पॉइंट पकड़ लो वहीं से शुरू करते हैं कहानी को, यहां से स्टार्ट करते हैं इस सेल से। चलो पाथ देखी जाए, क्या करना है हमको इस लूप के लिए, समीशन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, पाथ देखी जाए, पाथ यहां से स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो मतलब सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव गए यानी प्लस 4 वोल्ट, फिर रेजिस्टर पे आओ, क्या बात है रेजिस्टर में पाथ ऐसे जा रही करंट ऐसे आ रहा, तो रेजिस्टर में बताया था अगर पाथ और करंट अपोजिट हो तो प्लस, तो प्लस आई आर, आई कितना है 2 आई और 2 आई, ये हो जाएगा, बोलो सही है, बोलो सही है। अभी तो एक ही लूप है, अभी 2-2, 3-3 लूप आएंगे, आगे बढ़ो। फिर हम यहां पे गए, पाथ ऐसे जा रही करंट ऐसे आ रहा, रेजिस्टर में पाथ और करंट अपोजिट यानी प्लस, तो प्लस 1 इंटू आई। भाई कोई दिक्कत तो नहीं, ये लोअर ये हायर, लोअर से हायर गए तो गेन हो रहा तो प्लस, यहाँ पे देखो करंट ऐसे आ रहा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता हायर से लोअर, और हमारी पाथ कहाँ से कहाँ जा रही लोअर से हायर तो प्लस, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता हायर से लोअर, पाथ कहाँ जा रही लोअर से हायर तो प्लस, क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो करंट ऐसे पाथ अपोजिट, वाह वाह ये भी प्लस, तो 2 इंटू आई।
फिर यहाँ पे आओ, इस सेल में देखो पाथ कैसी है, पाथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेल में देखो पाथ कैसी है, पाथ प्लस से माइनस है, यानी हायर से लोअर है, यानी कि ड्रॉप है, यानी ये होगा -10 वोल्ट। इसके बाद ये भी एक रेजिस्टर है, ये छूट रहे थे, इसके बाद इधर आएंगे, करंट इधर, पाथ इधर, यानी ये भी प्लस, प्लस आई इज इक्वल्स टू जीरो। वापस यहाँ पहुँच गए ना, यहाँ देखो पाथ इधर, करंट इधर, करंट कहाँ से कहाँ होता है, हायर से लोअर, पाथ कहाँ से कहाँ है, लोअर से हायर, तो प्लस हो गया 1 × i। वापस यहीं पहुँच गया, खेल खत्म हो गया। चलो अब जोड़ घटाना करते हैं, 2 × 4 = 5, 1 = 6, 6i इज इक्वल टू -10 + 4 - 6, इधर गया 6i इज इक्वल टू 6/6, 1 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। हलवा क्लियर है, अगला सवाल खुद से करके दिखाओगे, वादा, यही होगा यही होगा यही होगा। लूप उल्टा ले लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लूप उल्टा लोगे तो ये सब चीज क्या माइनस माइनस लग जाएगा। अगर हम लूप उल्टा ले लेते सी बी ए डी सी तो क्या होता है, इन सब क्या माइनस लगता, जहां लोअर से हायर जा रहे हो वो हायर से लोअर होता, जो हायर से लोअर था वो लोअर से हायर होता, डिंग 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 डिंग, सबके आगे माइनस लगता, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन तो सेम रहती, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, फाइनल आंसर यही मैथ्स है, ये लूप के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको एक लेक्चर समझ में आ रहा होगा, वरना एक दो क्वेश्चन और लिखो समझ में आने लगेगा, किरचॉफ लॉ है, धीमे धीमे आता है। चलो अगला सवाल देखो, एकदम परफेक्ट समझ में आना चाहिए। तो यहां पे हम लेंगे एक सेल, छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां, टुरु टुरु टू टू टू। वाह, इसमें दो लूप बनेंगे, फाइंड करेंट इन ईच रजिस्टर। चलो सारे रजिस्टर में करंट निकालो, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, फिर भी सब हैं तो अलग अलग दिखे, एक जैसे रहे हैं, सभी में आपको करंट निकालना है। मैं मार्कर को थोड़ी सी इंक पिलाऊं और अपने आप को थोड़ा सा पानी, ट्राई करें इसको पॉज करके, पॉज करें, ट्राई करें, मार्कर तुम इंक पी लो, पॉज करके दो लूप बनाएं, ट्राई करें। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं, हम करने जा रहे हैं। चलो तो पहले तो इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी, नेमिंग कन्वेंशन। अब तो मैं इसको ए ही बोलूंगा, इसको बी बोलूंगा, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। तो पहले हम ये लूप लेंगे, कंसिडरिंग द लूप, यहीं ले लें, दो लूप लेने हैं ना साहब, थोड़ा जगह बचाएंगे। लूप ए बी सी एफ ए, ये भी मैंने क्लॉकवाइज लिया, लूप ए बी सी एफ ए, ऐसे बोलो सही है, क्लॉकवाइज ए बी सी एफ ए। चलो इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, आ जाओ, और इक्वेशन पे दूसरा लूप लिया जाएगा, उसमें क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इस लूप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन मत लो। चलो हाँ भाई, इस लूप में हम कहां से, यहां से स्टार्ट करें, सेल से। चलो सेल में कहां से कहां जा रहे हैं, देखो कुचुक पाथ कैसे जा रही है, माइनस से प्लस, लोअर से हायर, गेन इन पोटेंशियल। सेल के लिए माइनस से प्लस में प्लस, और रेजिस्टेंस में जब पाथ और करंट अपोजिट हो तो प्लस। सेल के लिए माइनस से प्लस जाने पे प्लस, और रेजिस्टेंस के लिए जब पाथ और करंट अपोजिट हो तो प्लस। तो ये हो गया +20 वोल्ट, छी ये हो गया +20 वोल्ट। फिर आगे बढ़े, यहां पे देखो पाथ ऐसे, करंट ही नहीं निकाला हमने, पहले करंट निकालते हैं, तो क्या किया जाए, तो भाई करंट निकाला जाए। तो यहां से मान लो करंट निकाल लिया हमने I1, और यहां से निकाल लेते हैं करंट I2। ऐसा क्यों किया सर आपने, तुम एक से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक बैटरी से I निकाल लो और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपकी मर्जी है भाई, है ना। आप चाहो तो किसी एक ही से करंट निकाल लो, यहां लाके डिस्ट्रीब्यूट करो I1 I2। मुझे सिमेट्रिकल टाइप का देखने में लगा, तो मैंने कहा I1 इधर से निकालते हैं, I2 इधर से। अभी देखो फायदा देखो इसका, यहां करंट पहुंचा I1, यहां करंट पहुंचा I2। अब इन दोनों में जुड़ के कितना हो गया I1 + I2। अब देखो फायदा क्या है, इस बैटरी को वापस कितना करंट देना है I2,
तो आई टू को यहां से घुमा दो इधर, इस बैटरी को वापस कितना करंट देना है आई वन, तो यहां से आई वन को इधर घुमा दो। बोला आया विद प्रैक्टिस आता है ये सब, पर कोई गलती नहीं होगी। मान लो हमको नहीं आता पहली बार उठाया सवाल, तो क्या गलती करोगे आप? यहां से आई करंट निकालोगे, इसको यहां ले जाओगे, इस ब्रांच में आई वन भेजोगे, इसमें आई टू। सुन लो यहां से आई निकाला, 100% सही सुनो। मान लो कि कुछ नहीं आता, एकदम नादान बच्चा, आई करंट यहां से निकाला, यहां पे आया, इधर आई वन इधर आई टू, आई वन इधर घूमता हुआ यहां पे आया, आई टू यहां से यहां आया, आई वन आई टू मिलके आई हो गए, आई वापस सर्किट में। अब इसमें यही है कि कमेंट आप करोगे क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या हम इसको कर कैसे भी सकते हो, जो प्रोसीजर लगाया था उसको फॉलो करोगे तो हर तरह से आंसर सही आएगा। हाँ, आपके आई वन आई टू की वैल्यू हमारे आई वन आई टू की वैल्यू से अलग आएगी, क्योंकि आप कुछ और मान रहे हो, हम कुछ और मान रहे हैं, समझो। पर जब हमसे कोई कहेगा ईच रजिस्टर में करंट निकालो, तब हमारा आपका आंसर मैच करेगा। कोई गलती नहीं है, आप यहां से करंट निकाल लो आई, इसमें से करंट आई निकालो, इधर आई वन भेजो, इधर आई टू, इधर आई वन घूम कर आया, इधर आई टू घूम के आया, वापस मिलके आई हो गया, और फिर सॉल्व करो। कोई गलती नहीं, आप यहां से करंट आई निकालो, यहां से आई गया, इसमें आई वन भेज दो, इसमें आई टू, आई टू घूमता हुआ यहां आया, आई वन यहां आया, दोनों मिलके वापस आई। मुझे सिमेट्रिकल लगा, मैंने कहा इधर से आई वन इधर से आई टू, अपनी अपनी पसंद है। यहां से आई वन इधर दे दिया, आई टू इधर, तो इस सेल से आई वन निकाला था आई वन वापस, इस सेल से आई टू निकाला था आई टू वापस। अब लूप तो हम ले ही चुके हैं, फिर से वापस लूप वही बना लेते हैं जो हमने पहले ही चूज कर लिया था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया था। हाँ, तो ये तो इस सेल के लिए मैंने बोला। अब देखो बैटरी में तो वैसे भी करंट वरेंट कंसिडर नहीं करना होता, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो ये तो प्लस ही हो गया। अब यहां पे आए, पाथ ऐसे जा रही, करंट भी ऐसे जा रहा, मतलब नेगेटिव, पाथ करंट एक साथ तो रजिस्टर के लिए नेगेटिव, तो माइनस 10 इंटू आई वन, बस सही है। फिर यहां पे आए, पाथ भी ऐसे करंट भी ऐसे, यानी माइनस 10 इंटू आई वन प्लस आई टू। बोलो करंट की कहानी सही है, मैंने एक तरफ से आई वन निकाला, एक तरफ से आई टू, मिलके बीच में आई वन प्लस आई टू, फिर आई टू और आई वन। आप चाहते तो किसी एक से करंट निकाल के भी 100% सही आंसर पा सकते हो। हाँ, तो वापस आते हैं, सेल के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव गया प्लस 20, यहाँ पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव, यहाँ पाथ देखो पाथ भी नीचे जा रही, करंट भी नीचे जा रहा, तो माइनस। फिर यहाँ पे आए, इस सेल में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो पाथ देखो प्लस से माइनस में जा रही, तो क्या हो जाएगा, माइनस, हायर से लोअर। सेल के लिए कब प्लस होता है, जब माइनस से प्लस, प्लस से माइनस मतलब माइनस, और कुछ तो है नहीं, नहीं, इक्वल टू जीरो। यहां से पहली इक्वेशन आपको मिल जानी चाहिए, 20 माइनस 10 इज 10, और इस पूरे को इधर भेज दो, 10i1 प्लस 10i1 20i1 प्लस 10i2। इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे देखो 20 माइनस 10 इज 10 और 10 को ये दो, तो 10i1 20i1 प्लस 10i2 इज इक्वल्स टू 10, यही बनेगा। इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो 10i1 20i1 प्लस 10i2, इसको 10 से ही काट सकते हैं, 2i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, अब इंक चमकने लगी। तो भाई इसके बाद आते हैं सेकंड लूप पे, सेकंड लूप पे सेम ऐसे ही घुर्र ऐसे ही नचा देते हैं सेकंड लूप को, घुर्र सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन नचा दिया, सेम भी कर सकते थे, अपोजिट भी कर सकते थे, इतने वेरिएशन है ना इसमें, करने कुछ भी कर सकते हो। लूप चुन लेते हैं, सी डी ई एफ सी, लूप चुन लिया सी डी ई एफ सी, यानी हमने क्लॉकवाइज ही लिया है लूप। तुम चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज लेके करो, आंसर 100% सेम आएगा। चलो यहां वाली बैटरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो इस बैटरी के लिए लूप हमारा ऐसे चल रहा, आओ पहले साफ साफ लिखें, ये कितनी थी 10 वोल्ट, ये कितना है 10 ओम, करंट कितना है I1 प्लस I2। हाँ, अब जगह मिली, ये नचाया मैंने, अब बढ़िया। चलो तो इस बैटरी के लिए हम कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी प्लस हो गया, फिर इस रेजिस्टेंस में देखो पाथ इधर जा रही, करंट इधर जा रहा, यानी प्लस हो गया 10i2। बोलो स्पीड पकड़े, अब समझ में आने लगा है, रेजिस्टेंस में पाथ ऐसे है, करंट ऐसे है, अपोजिट होता है पाथ और करंट, तो प्लस लिखते हैं। फिर अच्छा, ये रेजिस्टेंस छूट गया, रुक जाओ। सेल में हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो लिखा प्लस 10, आराम से। सेल में हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए, लिखा प्लस 10, फिर रजिस्टर आया, पाथ देखो ऐसे ऊपर जा रही, रजिस्टर में फील करो ऐसे तो घूम गई है, ऐसे सोचो ऐसे है, यानी रजिस्टर की तरफ पाथ ऊपर, करंट नीचे, करंट और पाथ अपोजिट मतलब प्लस, तो प्लस 10 इंटू आई वन प्लस आई टू। फील करा सकता हूं मैं, करंट ऐसे जा रहा, ये हायर ये लोअर, और पाथ इसके अपोजिट, यानी पाथ लोअर से हायर मतलब गेन,
यहां पे भी देखो पाथ ऐसे करंट ऐसे, मतलब ये भी प्लस आई आर, फिर इधर आए खचक। अब यहां पे करंट कहां से कहां, सॉरी पाथ कहां से कहां जा रहा, सेल के लिए करंट मत देखना, सेल के लिए पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव यानी माइनस 20, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हायर से लोअर, हायर लोअर चाहो तो भूल भी जाओ, सेल के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव पे प्लस, और रजिस्टर के लिए जब करंट और पाथ अपोजिट तो प्लस। ये क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखते हो, माइनस 10 टेन आई वन टेन आई टू टेन आई टू ट्वेंटी आई टू प्लस टेन आई वन, ये माइनस 10 इधर जाके 10, 10 से डिवाइड हो जाएगा ये भी, टू आई टू प्लस आई वन इज इक्वल्स टू वन, सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व वन एंड टू, गेट द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू। सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व किया जाए फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्या है, टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल्स टू वन, सेकेंड क्या है, टू आई टू प्लस आई वन इज इक्वल्स टू वन। क्या किया जाए, इसको टू से मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर देते हैं, इसमें से दो से मल्टीप्लाई करके इसमें से ये माइनस कर दो, तो दो से मल्टीप्लाई करके हो गया फोर आई वन माइनस आई वन थ्री आई वन, और दो से मल्टीप्लाई करके टू आई टू माइनस टू आई टू जीरो, और टू माइनस वन वन, थ्री आई वन इज इक्वल्स टू वन, तो आई वन की वैल्यू हो गई वन बाई थ्री। ठीक है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना तो आता है आपको, इन दोनों को उठाया, इसको टू से मल्टीप्लाई किया, टू टू का फोर आई वन माइनस आई वन थ्री आई वन, टू आई टू माइनस टू आई टू कैंसिल, टू वन का टू माइनस वन वन, तो आई वन इज वन बाई थ्री एम्पियर, यानी यहां से करंट निकला एक बटे तीन एम्पियर, इस रेजिस्टेंस में करंट गया एक बटे तीन एम्पियर। अब आई टू निकालने की बारी आई, यहां से आई टू निकाल सकते हो, आई टू इज इक्वल्स टू वन माइनस टू आई वन, यानी वन माइनस टू इंटू आई वन कितना है वन बाई थ्री, तो टू बाई थ्री, वन माइनस टू बाई थ्री वन बाई थ्री, ये भी आ गया, यहाँ से निकाला आई टू से माइनस टू टू इंटू, अभी मैथ्स चल रही है, यहाँ पे ख़त्म हो गई फिजिक्स, और आई वन की वैल्यू कितनी है वन बाई थ्री रखी, तो टू बाई थ्री थ्री माइनस वन वन बाई थ्री एम्पियर, तो इधर से भी करंट चल के कितना आया वन बाई थ्री वन बाई थ्री। हमसे पूछा था फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर, तो इसमें वन बाई थ्री, इसमें वन बाई थ्री, और इसमें दोनों जुड़ गए यानी टू बाई थ्री, तो फाइनल आंसर इज वन बाई थ्री एम्पियर, वन बाई थ्री एम्पियर कॉमा टू बाई थ्री एम्पियर। अब एग्जाम में नाम दिया होता आर वन आर टू आर थ्री, बोलता करंट बताओ, तो आर वन में वन बाई थ्री, आर टू में वन बाई थ्री, और आर थ्री में टू बाई थ्री। अब इसका आपका होमवर्क क्या बनेगा, होमवर्क ये बनेगा कि आप इसी क्वेश्चन को करो इस सेल से करंट आई निकाल के, इसी क्वेश्चन करो इस सेल से करंट आई निकाल के, सेम क्वेश्चन को रिपीट करो, मैं करके दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं, कर लोगे, चलो मैं करके दिखाता हूं, मिटा रहा हूं इसको, यहां तक क्लियर एकदम, चलो देखते हैं इसी सवाल को फिर से। मैं बोल रहा ना, करने को आप कुछ भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, विश्वास रखो, जल्दी से आओ देखें एक बार और, फिर एक बार, हाँ सबने खुद ही बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ 20 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट 10 ओम 10 ओम 10 ओम। चलो मैं यहां से करंट I निकाल के यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, I निकाला, यहां करंट I आया, इस तरफ मैंने I1 भेजा, इस तरफ मैंने I2 भेजा, और मेरे दिमाग में एक चीज पक्की है कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। आप चाहो तो I2 की जगह I माइनस I1 भी लिख सकते हो, खैर यहां I2 आया, ये I2 गया, यहां I1 आया, I1 I2 जुड़ गए, यहां करंट वापस आई, जिस सेल से जितना करंट निकला था वापस उतना ही पहुंच गया, किसी और सेल से कोई करंट नहीं निकाला। चलो एक लूप ये ले लिया, एक लूप ये ले लिया, इसको लूप वन, इसको लूप टू, थोड़ा तेज कर रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चन है। लूप वन की इक्वेशन लिखेंगे, तो सेल में मैसेज आ रहे हैं, तो हो गया प्लस 20 नेगेटिव से पॉजिटिव, रेजिस्टेंस में पाथ ऐसे जा रही करंट ऐसे अपोजिट यानी प्लस 10 आई टू, यहां पे पाथ ऐसे जा रही करंट भी नीचे आ रहा यानी माइनस 10 आई वन, देखो ना पाथ भी नीचे करंट भी नीचे, और यहां पे हम प्लस से माइनस जा रहे हैं यानी माइनस 10 इज इक्वल्स टू जीरो आर फर्स्ट इक्वेशन, इसको उधर ले चले, सो 10 आई वन माइनस 10 आई टू इज इक्वल्स टू 10 है ना, इसको उठा के मैं उधर ले गया, तो 10 आई वन माइनस 10 आई टू इज इक्वल्स टू 10, यहां से 10 से कैंसिल करो, आई वन माइनस आई टू इज 1, तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है आई वन माइनस आई टू इज 1,
इस लूप पे आ जाओ, सेकंड लूप पे। सेकंड लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सेल में हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस 10। फिर यहाँ रजिस्टर में भी हम जा रहे हैं करंट के अपोजिट। देखो बात ऐसे जा रही, करंट ऐसे आ रहा अपोजिट, तो ये भी प्लस हो गया, प्लस 10 आई वन। फिर इस रजिस्टर में भी पाथ ऐसे जा रही, करंट इसके अपोजिट, तो ये भी प्लस हो गया 10 आई। फिर यहाँ कुछ नहीं है, फिर सेल में हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो यानी माइनस 20। सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव में प्लस होता है, प्लस से माइनस में माइनस, इज इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वेशन 10 आई वन प्लस 10 आई, और ये माइनस 20 उधर ले जाते हैं, तो 10 आई वन प्लस 10 आई इज इक्वल्स टू 10, यही होगा। यहाँ से I1 प्लस आई इज इक्वल्स टू 10। अब I की वैल्यू दोनों में पुट कर दो, I की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2, इसमें पुट कर दो, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 10। भाई आई है तो करंट डिवाइड हुआ है दोनों में, तो यहाँ से 2 I1, 10 की जगह 1 हो जाएगा ना, 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1। एक ये इक्वेशन हुई, और एक ये उठा लो, I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 1, दोनों को ऐड कर दो, I2 कैंसिल हो गया, 3 I1 इज इक्वल्स टू 2, I1 की वैल्यू 2/3 एम्पियर। ध्यान से देखो, I1 यही है, यहाँ कितना था मेरा 2/3। फिजिक्स गलत नहीं होगी भाई, जो लॉज हैं वो रहेंगे। क्या करंट आया, 2/3 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, यू विल गेट I2, यहाँ पे रख दो I1 की जगह, 2/3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 1, तो I2 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1, तो 2 माइनस, हाँ ठीक है, आने दो, टेंशन मत लो। हाँ, I1 की वैल्यू कितनी है, 2/3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 1, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 माइनस 1, तो यानी माइनस 1/3 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ रही है माइनस 1/3 एम्पियर, सही है, क्योंकि पिछली बार हमारी 1/3 ऊपर आई थी और आपने I2 नीचे माना। यही मैंने बताया था कि अगर करंट नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ जो डायरेक्शन हम मान रहे हैं वो गलत है, माइनस 1/3। तो एग्जाम में क्या करोगे, या तो लिख दो इसी डायग्राम को बना के लिख के छोड़ाओ कि I2 माइनस 1/3, या तो पलट के लिख देना 1/3 एम्पियर, ठीक है। एक्चुअल में करंट ऊपर होगा, सेम आ रहा है, यहां से I निकाल सकते हो, I इज I1 प्लस I2, I1 कितना है 2/3, I2 कितना है माइनस 1/3, तो 2 माइनस 1 इज 1/3 एम्पियर, तो यहाँ करंट 1/3, बोलो सेम आंसर है, 1/3, 1/3, 2/3। तो कहीं से भी करंट निकालो, कुछ भी करो, अगर मैथ सही लगाओगे, लॉस फॉलो करोगे, तो आंसर सेम आएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, मजा आया, चलो आई होप आपको लूप समझ में आया हो, मैंने थोड़ा तेज सॉल्व किया ये सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अब लेते हैं 2015 मेंस का सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, IIT 2015 मेंस। क्या पूछा हमसे उन्होंने, फाइंड द करंट इन 1 ओम रेजिस्टर, ठीक है। अब ऑप्शन दिया था 1.13 एम्पियर पी से क्यू, 1.13 एम्पियर क्यू से पी, 0.13 एम्पियर क्यू से पी, 0.13 एम्पियर पी से क्यू। पॉज करके ट्राई करो, चलो भाई अब IIT का सवाल भी आ गया, पॉज करके ट्राई करें, देखें हो रहा है कि नहीं आपसे। हो गया, मैं करूं पॉज करके, चलिए पहले लूप का नाम देना स्टार्ट करें, पॉज करके ट्राई कर लिया, पी क्यू नाम देना स्टार्ट करें, चलो फिर से हम अपना नाम ही देते हैं, ए बी सी डी, बाकी पी क्यू नाम रहने दो। पहला लूप ये पकड़ लिया जाए, ए बी पी क्यू, करंट निकालना होगा, अच्छा पहले आओ पहले करंट निकालते हैं, कितनी सेल से, 2 से निकालोगे 1 से, मैं 1 से निकालूंगा इस बार, चलो 9 वोल्ट से मैंने करंट निकाला आई, यहाँ करंट पहुँचा आई, यहाँ डिवाइड हुआ करंट आई वन, और यहाँ गया आई टू, इसमें गया
आई टू, यहाँ आई वन, दोनों मिलके वापस आई, वापस आया आई, बोलो क्लियर है। आई वन इधर आई टू दोनों मिले और वापस आई। चलो पहला लूप मैं ले रहा बी पी ए क्यू, ए बी पी क्यू, और दूसरा ये, ठीक है। तो पहला लूप है मेरा ए बी पी क्यू ए, ए बी पी क्यू ए, शुरू करें, इस सेल से स्टार्ट करें, इस सेल से स्टार्ट करें। तो सेल में हम कहां से कहां जा रहे, प्लस से माइनस जा रहे, यानी कि माइनस सिक्स। फिर आगे बढ़े, इस रजिस्टर में हम कहां जा रहे, करंट के साथ जा रहे, यानी माइनस आई वन इंटू वन। फिर आगे बढ़े, इस रजिस्टर में पाथ कैसे जा रही, ऐसे, और करंट उसके अपोजिट, यानी प्लस थ्री आई टू इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से पहली इक्वेशन, इनको इधर भेज दो, इसको इधर भेजते हैं, थ्री आई टू माइनस आई वन इज इक्वल्स टू सिक्स। दूसरा लूप देखते हैं, लूप पी सी डी क्यू पी, पी सी डी क्यू पी क्लॉकवाइज, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें, चलो सेल से स्टार्ट कर दें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्लस से माइनस, यानी कि देखो लूप ऐसे जा रहा है ना, प्लस से माइनस यानी माइनस नाइन। रजिस्टर में लूप ऐसे भाग रहा और करंट इसके अपोजिट, यानी प्लस थ्री आई। फिर यहाँ पे देखो, लूप ऊपर जा रहा, करंट नीचे, यानी ये भी प्लस, प्लस आई वन। फिर यहाँ देखो, पाथ ऐसे, करंट ऐसे, अपोजिट, यानी प्लस टू आई। फिर खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू जीरो। नाइन को उधर भेज देते हैं, फाइव आई प्लस आई वन इज इक्वल्स टू नाइन, बोलो सही है। आई की जगह क्या रख सकते हैं, आई ही डिवाइड हुआ है आई वन आई टू में, सो आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, यहां पुट कर दो, फाइव आई की जगह आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन इज इक्वल्स टू नाइन। तो ये हो गया फाइव आई वन प्लस फाइव आई टू प्लस आई वन इज इक्वल्स टू नाइन। तो ये हो गया सिक्स आई वन प्लस फाइव आई टू इज इक्वल्स टू नाइन। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइंड द करंट इन वन ओम रजिस्टर। आपको सिर्फ I1 फाइंड करना है, तो I2 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन लिखो, 3I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 6। इधर क्या आया है, 6I2 प्लस 5, सॉरी 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 9। एक बार चेक कर लेते हैं, इसके लिए हमने लिखा माइनस 9 प्लस 3I प्लस I1 प्लस टू आई इज इक्वल्स टू जीरो, तीन दो पाँच प्लस आई वन इज इक्वल्स टू नाइन। और इसके लिए हमने लिखा माइनस सिक्स प्लस आई वन, सॉरी माइनस आई वन प्लस थ्री आई टू इज इक्वल्स टू जीरो, सो थ्री आई टू माइनस आई, ठीक है। हाँ, अब आओ, हमें क्या हटा देना चाहिए, आई टू हटा देना चाहिए। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, किससे किया जाए, इस इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए, आई टू यहाँ से बैठाना है यहाँ से, तो इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दें, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें से इसको उठा के माइनस कर देते हैं। तो 5 सिक्स ज़ा 30, सॉरी 5 थ्री ज़ा 15, वेरी सॉरी 3 फाइव ज़ा 15, तो ये कैंसिल हो गया। भाई दोनों में से I2 हटाना है, तो I2 हटाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, 5 थ्री ज़ा 15, 3 फाइव ज़ा 15, कैंसिल। 5 I1 माइनस 6 I1, 5 I1, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 सिक्स ज़ा 18, माइनस 5 I1 माइनस 18 I1 माइनस 23 I1, 5 6 जा 30, 3 9 जा 27, 30 माइनस 27 3, बोलो सही है। देख लो एक बार, एक ये इक्वेशन उठाई, एक ये इक्वेशन उठाई, दोनों में से I2 एलिमिनेट करना था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 15, ये माइनस किया 15 15 कैंसिल, माइनस 5 आई वन, 6 3 जा 18, माइनस 18 माइनस 5 माइनस 23, 5 6 जा 30, 3 9 जा 27, 30 माइनस 27 3, 23 आई वन इज इक्वल्स टू 3, क्या बात है, यानी I1 is equals to minus 3 by 23, देखो माइनस साइन भी एक है, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली, देखो दो ही तरह के ऑप्शन है, एक वन से बड़ा, एक वन से छोटा, डेफिनेटली वन से छोटा वाला है, ठीक है, 3 by 23, तो इसको 3 by 24 मान के अप्रॉक्स आंसर वन निकालते हैं, 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, 8 वन जा 8, 0, 10 लगाया, 8 वन जा 8, 20, 8 जा 16, 48, 0.125, यानी 0.13 आएगा यही, ठीक है, बट नेगेटिव,
-0.13 एम्पियर, डेफिनेटली 1 से छोटा वाला। -0.13 कहने का मतलब कि हमने जो डायरेक्शन सोचा वो एक्चुअल के अपोजिट है, यानी एक्चुअल करंट P से Q नहीं, Q से P है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 0.13 Q टू P। बोलो आया, बोलो समझ में आया, लूप वन लूप टू कैसे कैसे लॉ लगाया मैंने, क्लियर हुआ? हमने जो डायरेक्शन सोचा वो डेफिनेटली गलत है क्योंकि माइनस आ रहा है, तो डेफिनेटली डायरेक्शन Q से P, आंसर इज 0.13। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल देखेंगे 2017 मेंस आईआईटी का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2017 मेंस आईआईटी, क्वेश्चन नंबर 6, आईआईटी जेईई 2017 मेंस। क्या सवाल पूछा उन्होंने हमसे? क्या बात है, द वोल्ट, वन ओम। हाँ, उन्होंने हमसे पूछा फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, ऑप्शन दे देते हैं आपको, 0.25 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0 एम्पियर या 0.75 एम्पियर। चलो ट्राई करो खुद से, देखो हो पा रहा है। इन ईच रेजिस्टर, सब में सेम करंट है, इसका मतलब ये है। पॉज करके ट्राई करो, खुद से जरूर करना है भाई। नींद को भगाइए, सवाल को बनाइए, किरचॉफ लॉ तभी आएगा। करा जाए 2017 में इसका हलवा सवाल, किसी एक सेल से करंट निकाल लिया जाए, किसी भी सेल से। चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से करंट मैंने आई निकाला, इस जगह डिवाइड हुआ, यहाँ मान लो करंट आई वन गया, यहाँ मान लो आई टू गया, यहाँ करंट आया, यहाँ मान लो करंट आई थ्री गया, यहाँ मान लो आई फोर गया। ठीक है, अब तो आप समझ गए हो, एक से निकालो दो से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, यहाँ तक इतनी मेहनत करने के लिए आपका शुक्रिया। आई फोर घूमता यहाँ आया, यहाँ आई थ्री आया, आई फोर आई थ्री मिलके वापस यहाँ कितने हो जाएंगे, आई टू हो जाएगा भाई। आई टू है तो बटा है आई थ्री आई फोर में, देखो आई टू आया बटा आई थ्री आई फोर में, आई फोर इधर से आई थ्री इधर से वापस आई टू। अब यहाँ आई टू पहुँचा, यहाँ आई वन पहुँचा, आई टू आई वन मिल के कितना बन जाएंगे आई, बोलो सही है, आई निकाला था आई वन आई टू में बटा, आई टू पूरा चक्कर घूम के यहाँ आया, आई वन से मिला आई बन गया, आई टू गया आई थ्री आई फोर में बटा, आई फोर घूम के यहाँ आया, आई थ्री से मिला आई टू बन गया। समझ में आ रहा है, यहाँ से आई निकला था आई वापस। अब लूप लिया जाए, नाम वाम नहीं दे रहा, चलो लूप लेना स्टार्ट करते हैं। पहला लूप मैंने ये लिया जुमा, दूसरा जुमा, तीसरा जुमा, पहला लूप जुमा, जुमा कैलकुलेट करें, लूप वन लूप टू लूप थ्री, तीन लूप आ गए, क्या बात। लूप वन को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो इस सेल से। ठीक है, अब आप लिख लोगे ना, नाम वाम दे लोगे ना, बड़े हो गए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। ये नेगेटिव से पॉजिटिव चलना है, नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 वोल्ट। ये पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी -2 वोल्ट, करंट भी इधर पाथ भी इधर, यानी -i3 × 1 = 0। ये कैंसिल, यहां से आई थ्री की वैल्यू आई 0, यानी इसमें कोई करंट नहीं है। चलो अब लूप टू सॉल्व करते हैं, लूप टू, वैसे एक रेजिस्टेंस में करंट 0 है, मतलब सब में 0 होगा। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, और ईच में वो सेम मान रहे हैं तभी तो ऐसे भाई, चार ऑप्शन है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, एक में 0 आ गया, सब में 0, आंसर 0 है। चलो चेक करते हैं लूप टू, लूप टू में फिर इसी सेल से स्टार्ट करें कहानी, ये चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज बनाया। तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव चले, प्लस 2 वोल्ट, यहां मैं इसे पाथ ऐसे, करंट इसके अपोजिट, मतलब प्लस आई थ्री, यहां मैं ऐसे चले प्लस से माइनस गए, मतलब कि -2 वोल्ट, यहां मैं ऐसे गए पाथ नीचे की तरफ, करंट भी नीचे की तरफ, यानी -i1, और कुछ बचा,
और कुछ नहीं, इज इक्वल्स टू जीरो. यहां से ये और ये कैंसिल, आई थ्री इज इक्वल्स टू आई वन, यानी आई वन की वैल्यू भी जीरो हो गई. यानी इसमें भी करंट जीरो, इसमें भी करंट जीरो. बोलो अब सही आंसर जीरो ही आएगा. चलो आखिरी लूप भी देख ही लेते हैं. लूप थ्री, लूप थ्री ये वाला, यहां से चले किचिक टिंगडिंग टिंगडिंग टिंगडिंग, यहां से चले नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस टू वोल्ट, ऊपर बढ़े करंट और पाथ अपोजिट, करंट नीचे पाथ ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस आई वन. यहां पे आए पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि माइनस टू वोल्ट, यहां पे आए पाथ नीचे करंट ऊपर यानी प्लस आई इज इक्वल्स टू जीरो. कैंसिल, आई इज इक्वल्स टू माइनस आई वन, आई वन की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू भी जीरो. इसमें करंट आई था मतलब जीरो एम्पियर, इसमें आई वन जीरो एम्पियर, इसमें आई थ्री जीरो एम्पियर, करंट इन ईच रेजिस्टर इज जीरो एम्पियर. बोलो क्लियर है, मिटा रहे हैं? हाँ, ये बिना किरचॉफ लॉ के भी बहुत इजीली किया जा सकता था, पर मैं क्या करूं, मैं किरचॉफ लॉ पढ़ा रहा था, मुझको ये सवाल नजर में आ गया तो मैंने इसको यहीं पे डाल दिया और तुमको करके दिखा दिया. अब हम आखिरी सवाल करेंगे आज के लेक्चर का. नो 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 नो, हम आज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, जिसमें हम तीन लूप को सॉल्व करेंगे, तीन बढ़िया इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, चलो जो भी है. ध्यान से करना, बढ़िया सवाल दे रहे हैं. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वैसे तो ये, फिर भी हम करेंगे इसको. अच्छा सवाल, अब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. हाँ भाई, टिंगडिंग डिंगडिंग 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 डिंग, टिंगडिंग डिंगडिंग 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 डिंग डिंग, कचक 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 टिंग कचक टिंग. ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस. इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, कहाँ चिपके हो तुम ऊपर, कच 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 कच. ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस. फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर. तो हम सब की जो रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है, पर हम सबका आंसर सेम आना चाहिए. हो सकता हो कोई एक बैटरी से करंट निकाले, हो सकता हो कोई इससे निकाले, कोई उससे, हो सकता हो कोई दोनों से निकाले, हो सकता हो आपके वेरिएबल कुछ हो, मेरे वेरिएबल कुछ हो, बट आंसर हम सबके सेम होने चाहिए. आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू सेम नहीं होगी. एग्जाम में जब चीटिंग करना है इसके क्वेश्चंस में, तो किसी और का आई वन आई टू मत छापना, क्योंकि सबका अपना अपना आएगा, है ना. बट रजिस्टर में करंट सबके सेम आने चाहिए. किया जाए, पॉज करके ट्राई कर लिया. नामकरण करें इसका हम, ए बी सी डी, एक ये भी है ई, ए बी सी डी ई. चलो सबसे पहले हम लूप ले रहे हैं ये वाला लूप. पहले करंट तो निकालो सर. सबसे पहले करंट निकालना होता है, भूल जा रहा हूं मैं. चलो करंट निकालते हैं, आप मत भूलना पेपर में, वरना अपने आप याद आ जाएगा जब करंट ना दिखेगा. तो मैं करंट निकालूंगा बड़ी वाली सेल से, जब भी दो सेल दिखते हैं बड़ी वाली से निकालता हूं. यहां से करंट निकाला मैंने आई, आगे आए, इस तरफ करंट गया आई वन, इस तरफ करंट कितना गया आई टू. ये लिख सकते हैं, जरा ये भी सीखो, कुछ नया किया जाए, आई माइनस आई वन. हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज सीखते चलो भाई. मैंने बोलोगे किताब में ये क्या दिया है, मैंने बोला आई करंट इधर, आई वन इधर, आई माइनस आई वन. भाई आई में से आई वन इधर गया, आई माइनस आई वन. किरचॉफ्स करंट लॉ वही तो लगा रहे. यहां पे आया आई माइनस आई वन, अब यहां आके फिर डिवाइड होगा, यहां आके फिर डिवाइड होगा. हमने कहा चलो इधर गया आई टू, तो इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा आई थ्री. ये लिख सकते हैं आई माइनस आई वन माइनस आई टू. भाई आई माइनस आई वन आया, उसमें से आई टू चला गया, तो आई माइनस आई वन माइनस आई टू वेरिएबल बचा रहे हैं हम, वरना एक वेरिएबल और जनरेट होता आई थ्री. कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व तब भी होगा भाई, मैथ्स है. हम तो कह रहे हैं I आया I1 इधर गया I माइनस आई वन, आई माइनस आई वन में से I2 इधर गया I माइनस आई वन माइनस आई टू. अच्छा ऊपर आओ, ये I1 करंट पहुंचा,
अब देखो ये आई टू घूमता घूमता यहाँ पहुंच गया ऊपर, ये नहीं कि यहाँ भी डिवाइड कर दिया, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर यहाँ भी करंट डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों करंट आके टकरा जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आई टू को इधर भेजा, आई वन दोनों कंबाइंड होके यहाँ आई वन प्लस आई टू, अच्छा इधर से आया आई वन प्लस आई टू, इधर से ये क्वांटिटी आई, बताओ यहाँ पे कितना करंट है, जोड़ के बताओ, आई वन प्लस आई टू आया, आई माइनस आई वन माइनस आई टू आया, यहाँ पे आके सब जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो आई वन आई टू कैंसिल और यहाँ करंट बचेगा आई, सेल से जितना निकाला था उतना वापस, बोलो आया, आई वन प्लस आई टू आया, आई माइनस आई वन माइनस आई टू आया, जब यहाँ जुड़े तो आई वन आई टू कैंसिल, सेल में वापस आई करंट। चलो अब शुरू किया जाए, सबसे पहले लूप ए बी सी ए, ठीक है क्लॉकवाइज ए बी सी ए, चलो इस सेल से स्टार्ट करें, अब तो आपको तरीके आ गए, सेल से स्टार्ट करें तो सेल में कहां से कहां जा रहे हैं हम, माइनस से प्लस यानी प्लस 10, फिर रजिस्टर में आए तो जिधर पाथ उधर ही करंट यानी माइनस 4 आई वन आई आर, बोलो क्लियर है, पाथ ऐसे है ना, तो पाथ भी ऐसे जा रही और करंट भी, और यहां पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस, फिर यहां पे आए रजिस्टर, पाथ नीचे जा रही, देखो इस जगह पे देखा, हाँ इसमें बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके साथ इसको ना कंबाइन, ना भाई पूरा इसको सोचो आराम से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे पाथ कैसे है, इस रजिस्टर के पास पाथ कैसे है, नीचे और करंट भी नीचे यानी नेगेटिव यानी माइनस टू आई वन प्लस आई टू, फिर घूमते घूमते इस रजिस्टर पे पहुंचे, पाथ ऐसे है ए बी सी ए ऐसे, और करंट भी ऐसे यानी ये भी माइनस आई इंटू वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये पहली इक्वेशन बननी जा रही है हमारी, क्या बनेगी, टेन सबको उधर भेज या टेन को उधर भेज, वही मतलब 4i1 2i1 माइनस 4i1 माइनस 2i1, तो ये उधर जाके हो गया i प्लस 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 10, बोलो सही लिखा, i उधर गया प्लस 4i1 2i1 माइनस 6i1 प्लस 6i1 2i2 प्लस 2i2, बोलो सही है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा लूप उठाओ कोई, अब उठा लेते हैं लूप ए सी डी ए, ये भी क्लॉकवाइज लिया मैंने, ए सी डी ए ए सी डी ए ऐसे, ठीक है ए सी डी ए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए सी डी ए से चलना है, तो यहाँ पे जब चले तो कहाँ से कहाँ, प्लस से माइनस यानी ये हो गया माइनस ए सी डी ए, फिर जब यहाँ पे चले तो देखो लूप का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, अपोजिट यानी प्लस हो जाएगा प्लस आई, आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पे देखो करंट ऊपर है रजिस्टर में और पाथ नीचे है, पाथ क्या है ए सी डी ए, यहाँ पे पाथ कैसे है नीचे और करंट कैसे है ऊपर, यानी ये भी प्लस हो गया, प्लस टू इंटू आई माइनस आई वन माइनस आई टू, फिर आगे बढ़े ए सी डी ए, पाथ ऐसे है करंट ऐसे है, ये भी अपोजिट, देखो ये है पाथ है ना, यहां देखो पाथ ऐसे जा रही है और करंट ऐसे अपोजिट, तो ये भी प्लस हो गया, प्लस 4 इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल्स टू 0, इस 10 को इधर भेज दो, बाकी सब कैलकुलेट करो, आई 2i 4i कितना हो गया, 4 2 6 1 7i 2i1 4i1 माइनस 6i1 माइनस 2i2 इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। लूप थ्री ये वाला उठा लेते हैं छोटा सा, लूप नंबर थ्री, अब बोलोगे सर तीन लूप क्यों लिए, जितने वेरिएबल हो उतने लूप उठाना, करंट डिवाइड करते वक्त कितने वेरिएबल है आपके पास, i i1 i2 तीन वेरिएबल थे, तो आपको तीन इंडिपेंडेंट लूप्स चाहिए होंगे इन इक्वेशन को साफ करने के लिए, आई आई वन आई टू के लिए, तो तीसरा लूप ये उठाया मैंने, बी ई डी बी उठा लेते हैं, बी ई डी बी, ठीक है बी ई डी बी, ठीक है क्लॉकवाइज यहां से स्टार्ट करें, कहां से कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो ये हो गया माइनस 5, आगे बढ़े आगे बढ़े,
इस रजिस्टर पे आओ, ये ना बी ई डी बी, तो इस रजिस्टर पे देखो पाथ किधर जा रही है, ऊपर, करंट भी ऊपर, तो ये भी माइनस हो गया, माइनस टू इंटू आई माइनस आई वन माइनस आई टू। ऊपर चले, इस रजिस्टर पे देखो पाथ ऊपर जा रही, करंट नीचे आ रहा, यहाँ देखो बी ई डी बी, पाथ ऊपर करंट नीचे, मतलब ये प्लस प्लस टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल्स टू जीरो। पांच को इधर ले आते हैं, सॉल्व करते हैं, माइनस टू आई माइनस प्लस टू आई वन प्लस टू आई वन, फोर आई वन प्लस टू आई टू प्लस टू आई टू प्लस फोर आई टू माइनस टू आई इज इक्वल्स टू फाइव, इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ यूज इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री टू गेट द वैल्यू ऑफ आई, आई वन एंड आई टू। क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड को जरा ऐड करो, बड़ा आसान है, सिक्स आई वन और माइनस सिक्स आई वन, टू आई टू माइनस टू आई टू कैंसिल, सेवन आई वन आई एट आई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी, आई की वैल्यूज यहीं से आ गई, निकाला जाए वैल्यू, इसको मिटा रहे, छाप लो पहले अगर नहीं नोट किया तो, पॉज करके नोट कर लो, कर लिया पॉज कर लो नोट कर लो, वन टू थ्री फोर, ओके। ये तीन लूप की तीन इक्वेशन, मैंने कहा इसको और उसको ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करोगे, सिक्स आई वन माइनस सिक्स आई वन, टू आई टू माइनस टू आई टू कैंसिल, आई प्लस सेवन आई एट आई, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, आई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी बाई एट, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, फोर टू ज़ा एट, टू पॉइंट फाइव एम्पियर, यानी यहां से करंट कितना निकला है, टू पॉइंट फाइव एम्पियर। मेरे डायग्राम के हिसाब से आई की वैल्यू टू पॉइंट फाइव है, आपकी कुछ और हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस में करंट की, मेरे 1 ओम में 2.5 एम्पीयर जा रहा है, आपका भी यही आना चाहिए क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। ये हो गया, अब आई की वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई, अब आई की वैल्यू यहां पे रख के इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये यहां रख लेते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, 2.5 रख दो तो आपको मिलेगा 6 आई1 प्लस 2 आई2, आई की वैल्यू 2.5, उधर जाके 10 माइनस 2.5 7.5, बोलो सही है, 2.5 उधर जाके माइनस हो गया, 10 माइनस 2.6 आई वन प्लस 2। हाँ, अब इन दोनों को और सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी आई की वैल्यू पुट करो पहले, है ना, आई की वैल्यू कितनी है 2.5, तो इसमें 2.5 रखेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 6 आई वन प्लस 2 आई टू इज इक्वल्स टू 7.5, और इसमें आई की वैल्यू पुट करो 2.5, तो 2 इंटू 2.5 माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 10, 4 आई वन प्लस 4 आई टू इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, क्या किया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और इसको माइनस कर लिया जाए, 2 6 ज़ा 12 माइनस 4 8 आई वन, 2 2 ज़ा 4 आई टू माइनस 4 आई टू 0, ये हो जाएगा 15 माइनस 10 5, आई वन की वैल्यू 8/5, तो मेरे सवाल के हिसाब से, मेरे डायग्राम के हिसाब से 5/8 आ रहा है आई वन, यानी 0 50 8 6 ज़ा 48 20 8 2 16 48 0.625 एम्पीयर, यानी इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा मेरे डायग्राम के हिसाब से पॉइंट नहीं सबके आप सबके हिसाब से 0.625 एम्पीयर इसमें करंट आना चाहिए हम सबका, और इसमें 2.5 एम्पीयर, ठीक है। सो हमारे वेरिएबल्स क्या क्या आ रहे हैं हम लिखते जाएं, आई हमारा आ रहा है 2.5 एम्पीयर, आई वन हमारा आ रहा है 0.625 एम्पीयर, अब आई वन की ये वैल्यू किसी में पुट कर दो, कहीं भी यहाँ पुट कर दो, सो यहाँ पुट कर दो, 6 इंटू 5 बाई 8 प्लस 2 आई टू इज इक्वल्स टू 7.5 को 15 बाई 2 लिख दें, तो 2i2 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 बाई 4, तो 15 बाई 2 माइनस 15 बाई 4, मुझे माफ़ करना इन कैलकुलेशन के लिए, मैंने i1 की ये वैल्यू 5 बाई 8 उठा के इसमें रखी है, तो 6 इंटू 5 बाई, ये सब इसमें होता है किरचॉफ लॉ, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैथ से इसमें करना पड़ता है, बुक में भी देखोगे तो बुक में लिख देगा, एज वी नो ऑन सॉल्विंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, तो हम भी वही लिख सकते थे,
तो 5/8 यहाँ रखा, 6 × 5/8 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 7.5 को 15/2, तो 2 × 3 = 24, 3 × 3 = 15/4, तो 2i2 = −15/4, एलसीएम होगा 4, ये 30 माइनस 15 यानी 15/2, तो i2 इज इक्वल्स टू 15/4। i1 का ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना, i2 का वैल्यू निकालना, 15/4 यानी 4 × 3 = 12, 15/4 सही कर रहा हूँ, 4 × 4 = 8, 15/8, वेरी सॉरी, i2 की वैल्यू आएगी 15, ये 2 × 5 = 2, 15 × 30 − 15, 15/4 और 2 यानी 15/8, 8 × 1 = 8, सो i2 विल कम आउट टू बी 8 × 1 = 8, 70, 8 × 8 = 64, 60, 8 × 7 = 56, 40, ये आएगी 1.875 एम्पीयर। बाकी यहाँ पे आप करंट आप निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ का करंट क्लियर है। इस तरह से किरचॉफ लॉ के बढ़िया भारी भरकम सवाल हिलाने हैं। अगर आपका भी डायग्राम यही है तो वैल्यूज यही आएगी, कुछ और डायग्राम है तो अलग अलग, बाकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में आप निकाल सकते हो। मैं दो का आंसर अभी बता देता हूँ, यहाँ आनी चाहिए आपकी 2.5, यहाँ आनी चाहिए 0.625। अगर ये नहीं मैच कर रहा तो खुद को धोखा मत देना, नहीं नहीं मेरा सही है सर ने बोला, ना सर ने ये बोला है I1, I2, I3 अलग हो सकता है, पर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो करंट आ रहे हैं वो सबके सेम होने चाहिए, खुद को धोखा मत देना। कई बार हम लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं सर ने कहा है वो सबका अलग अलग, नहीं वेरिएबल अलग अलग है, वैल्यूज नहीं। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू होगी सबकी, इन दोनों का जो सम है वही आनी चाहिए, 5, 5, 10, 11 हासिल 3, 7, 10, 11 हासिल 9, 8, 15, 11 हासिल 2.5 आ रही है यहाँ पे, सेम आई जितनी, 0.625 + 5, 5, 10 = 2, 3, 3, 7, 10 = 7, 8, 15 = 2, 2.5 ही आ रही है, हम क्या करें। यहाँ पे भी यहाँ से 2.5 निकला, इसमें बटा और यहाँ से i2 पहुँचा, देख लेना ये आनी चाहिए वैल्यूज, क्लियर है, मिटा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो इस तरह से किरचॉफ लॉ के सवाल करने हैं। एक और तरह का सवाल हम आपको बता दें जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पूछता है। अब इतनी देर हो ही गई है तो थोड़ा और सुन लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, जरा देखो ध्यान से। मान लो बोला एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक सेल बना दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक सेल और बना दिया, एक रेजिस्टेंस और बना दिया, यहाँ पॉइंट बी बोल दिया, यहाँ बोल दिया करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, ये रेजिस्टेंस है मान लो 1 ओम का, ये है मान लो 2 ओम का, ये जो सेल है ये मान लो 10 वोल्ट की, ये सेल मान लो 5 वोल्ट की, हमसे कहा फाइंड वी ए माइनस वी बी, मान लो ऐसा सवाल आ गया, तो इसमें आप किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करने जा रहे हो। देखो कैसे, पहले सवाल देख लो, हमसे पूछा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 सेल लगी, आप यहां से यहां की तरफ एक पाथ बनाओ, क्या बनाई हमने, एक पाथ बनाई यहां से यहां की तरफ, वहां से यहां भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा पाथ बनाई, शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या मिला वी ए, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, पाथ पे चलो, पाथ के हिसाब से सेल का प्लस पहले आया माइनस बाद में, मतलब हायर टू लोअर यानी लॉस इन पोटेंशियल यानी -5। अब देखो करंट ऐसे आ रहा है तो करंट यहाँ पे भी ऐसे आएगा 2 एम्पीयर, यानी पाथ और करंट रेजिस्टेंस में अपोजिट है यानी प्लस, तो प्लस 2 × 2 IR, फिर पाथ आगे बढ़े, फिर ये प्लस पहले आया माइनस बाद में, हायर टू लोअर लॉस इन पोटेंशियल -10 वोल्ट, सेल का समझ गया होगा नेगेटिव से प्लस में प्लस होता है, प्लस से माइनस में माइनस, तो यहाँ देखो पाथ इधर करंट इधर, रेजिस्टर में अपोजिट है यानी प्लस 1 × 2 इज इक्वल्स टू जीरो नहीं, इज इक्वल्स टू वी बी, जीरो नहीं वी बी, यहाँ से वी ए को लेते हम यहाँ आए, करते 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 सबका पोटेंशियल कितना हो गया होगा वी बी, भाई इस जगह से पोटेंशियल जोड़ना स्टार्ट किया, यहाँ का पोटेंशियल क्या बोला इन्होंने वी बी, सब जोड़ के आया होगा, ठीक है। अब वी ए -5 − 10 = 2 × 4 = 7 − 15 + 7 − 8 = vb,
बोलो सही लिखा है, दो दूनी चार और तीन सात सात, फिर तीन वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। बोलो लॉजिक समझ में आया ये, जहां से जहां पहुंचा है, पाथ किधर भी बना लो अपने आप, यहां से इसको प्लस माना हमने वी ए को, फिर इसमें 5 माइनस करना पड़ा क्योंकि पाथ के हिसाब से प्लस से माइनस, फिर ये अपोजिट है तो प्लस हो गया, फिर ये प्लस से माइनस फिर माइनस, फिर ये करंट और पाथ अपोजिट तो प्लस हो गया, और करते करते किसका पोटेंशियल आ गया बी का। क्लियर है? फिर बी को इधर ले आए, वी ए माइनस वी बी, जरा एक करके दिखाओ। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, करो खुद से ट्राई करो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देखो हो पा रहा है क्या, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे करोगे, यहां से यहां एक पाथ बना ली, अब शुरू करेंगे कहां से चले, हाँ वी ए, फिर ये कहां से कहां गए प्लस से माइनस, यानी माइनस 10, फिर करंट इधर आ रहा कितना है 1 एम्पियर, करंट और पाथ अपोजिट यानी प्लस 3 × 1, फिर माइनस से प्लस यानी प्लस 12, फिर पाथ और करंट अपोजिट यानी प्लस 2 × 1 इज इक्वल्स टू वी बी, तो वी ए 3, 12, 15, 2, 17 सही है, 2, 3, 5, 17 और माइनस 10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस 7 वोल्ट, यानी वी ए इस बार लोअर पोटेंशियल पे है, वी बी इस बार हायर पोटेंशियल पे है। बोलो आया, 10 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 12 प्लस 5 और 2 7 तो वी ए प्लस 7 इज वी बी। क्लियर है? अब देखो इस पे एक सवाल पूछा है आईआईटी 2011 में, आईआईटी 2011 में क्या पूछा उन्होंने हमने से, कि ये एक पॉइंट ए है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी, ये बोला 6 वोल्ट, ये बोला 1 ओम, ये बोला 3 वोल्ट और ये बोला 2 ओम, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये सवाल था, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले किरचॉफ लॉ से करंट निकालो इसमें, उसके बाद ए से बी चलो, पॉज करके ट्राई करो, पहले किरचॉफ लॉ लगा के करंट निकालो, फिर ए से बी पाथ बनाओ, ट्राई ट्राई ट्राई, हो गया, मैं करूं, चल तो पहले हम करंट एक किसी एक से निकालें, पहले पाथ बनाएं, यहां से मान लो करंट निकाल लिया आई, यहां भी जाएगा आई, यहां भी जाएगा आई, इसमें भी आई, यहां भी आई, ठीक है, लूप मैंने ये पकड़ लिया, नाम वाम देने की जरूरत नहीं है, यहां कहां से कहां चले, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी 3 वोल्ट प्लस में हुआ, यहां हम कैसे चले प्लस से माइनस, तो माइनस 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस में करंट इधर पाथ इधर, तो प्लस आई इंटू वन, रेजिस्टेंस में करंट इधर पाथ इधर, देखो अपोजिट है, पाथ इधर करंट इधर अपोजिट में, यानी प्लस 2 × I, ये सेल इंक्लूड हो चुकी है पहले, यहाँ से ये हो गई माइनस से प्लस 3, ये हो गया प्लस से माइनस माइनस 6, इसमें अपोजिट है इसलिए प्लस, इसमें भी अपोजिट करंट पाथ तो प्लस, तो ये हो गया माइनस 3 और ये आई और 2i इधर गया के माइनस 3i, माइनस माइनस कैंसिल, i की वैल्यू 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और जिस डायरेक्शन में बनाया है उसी डायरेक्शन में, तो a b 1 एम्पियर का करंट, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट की बैटरी, चला जाए पाथ होगी ये,
कोई भी उठा लो, ऊपर वाली नीचे वाली दोनों से सेम आंसर आएगा। चाहो तो नीचे वाली पाथ ले लो, किसी एक रास्ते से ए से बी पहुंचना चाहो तो ये ले लो, ठीक है। तो वी ए अब कहां से कहां गए, प्लस से माइनस, माइनस सिक्स, फिर यहां पे करंट और पाथ अपोजिट, तो प्लस वन इंटू वन इज इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए माइनस फाइव इज इक्वल्स टू वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू फाइव वोल्ट। यही चीज नीचे से आएगी, देखो जब नीचे से चलोगे तो ये प्लस से माइनस, तो नीचे से चलने पे वी ए माइनस थ्री, और ये पाथ और करंट साथ में, ये भी माइनस, माइनस टू इंटू वन इज इक्वल्स टू वी बी, वी ए माइनस फाइव इज इक्वल्स टू वी बी, क्लियर। तो यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ को करते हैं समाप्त, एक लंबा वीडियो जिसमें हमने हर तरह का कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश की। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, सवाल खूब लगाएं, बाय बाय।